भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और निरहुआ ने इस बार अपने फैंस को कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी का मौका है, सभी ने अपने फैंस को इसकी हार्दिक बधाई दी है, लेकिन निरहुआ और पवन ने बधाई के साथ साथ कुछ और भी दिया है। पहले तो पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुनलिया का पोस्टर देखिए, ये पोस्टर काफी अच्छा है और पिछले वाले पोस्टर से काफी अलग है। पिछले वाले पोस्टर और इस पोस्टर में एक ही डिफरेंट है, अक्षरा सिंह की जगह काजल राघवानी ने ले ली है और फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं भोजपुरी के दूसरे सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और निरहुआ के बारे में। तो दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने इस बार अपने दर्शकों को कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया है। जी हाँ, निरहुआ ने बैक टू बैक तीन फिल्मों के पोस्टर रिलीज किए हैं। पहली है निरहुआ हिंदुस्तानी 3, दूसरा है वंदे मातरम और तीसरी फिल्म का पोस्टर है पटना से पाकिस्तान 2। तो आपको बता दे, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 का पोस्टर पहले निकल चुका है। इस सीरीज की दो फिल्में पहले ही ब्लॉकबस्टर हैं और तीसरी फिल्म जिसकी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसका पहला पोस्टर सबसे यूनिक था और दर्शकों के बीच बड़ा ही पॉपुलर हुआ और दूसरा पोस्टर भी दर्शकों को काफी पसंद आएगा क्योंकि ये ठेठ देसी अंदाज में। अब बात करते हैं फिल्म वंदे मातरम की। वंदे मातरम को डायरेक्ट रजनीश मिश्रा कर रहे हैं। जी, ये वही रजनीश मिश्रा हैं जिन्होंने मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 डायरेक्ट की थी और वो फिल्म उस साल की खेसारी लाल यादव की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। अब बात करते हैं फिल्म पटना से पाकिस्तान की। जी हाँ, पटना से पाकिस्तान बड़ी ही सुपरहिट रही। तब से निरहुआ और आम्रपाली के फैंस लगातार उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि पटना से पाकिस्तान 2 जल्द ही लाइएगा और अपने फैंस के भारी रिक्वेस्ट पर इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये फिल्म को लाया जाए। ये फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। फिल्म पटना से पाकिस्तान 2 को डायरेक्ट करेंगे संतोष मिश्रा। वैसे आपको बता दें, पटना से पाकिस्तान में निरहुआ के डायलॉग ने खूब धूम मचाई थी। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के एक्शन सीन भी लोगों को बहुत पसंद आए थे। फिल्म की स्टोरी भी लोगों ने काफी पसंद की थी। तभी से निरहुआ और आम्रपाली के फैंस चाह रहे थे इस फिल्म का सीक्वल बने, तो अपने फैंस की भारी डिमांड पर निरहुआ और आम्रपाली ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने फैंस को बहुत ही बड़ी सौगात दी है। यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।